इंडिया न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। भोदन आरडीओ ऑफिस के सामने मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिट के कायदीन ने जबरदस्त धरना दिया। भोदन के यूनिट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरडीओ ऑफिस के सामने धरना देते हुए मांग की के असेंबली के अहाते में जो दो मस्जिदें और एक मंदिर जिसको शहीद किया गया, जिसकी कायदीन ने मजम्मत करते हुए बताया कि जिस जगह से पहले मस्जिदें और मंदिर मौजूद थी वहीं उसी जगह उन इबादत गाहों की तामीर करें। सीएम केसीआर से भी इन्होंने मुतालबा किया कि इबादत गाहों का एहतराम करके किसी के जज्बात को ठेस ना पहुँचने दें और बताया कि बेवकूफ़ कॉन्ट्रैक्टर की कम अखली और अहदेदारों की नादानी से ये जो वाकया पेश आया है जिसका सभी ने अफसोस जाहिर किया। इस मौके पर हबीब खान, साबिका भोदन बल्दिया वाइस चेयरमैन वलीउद्दीन, नवीद रजा अथर काउंसलर और भोदन यूनिट के मजलिस के तमाम कायदीन मौजूद। औज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आरडीओ ऑफिस भोदन पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भोदन यूनिट की जानिब से साबिका वाइस चेयरमैन व मौजूदा रुकने बल्दिया, माउन रुकने बल्दिया और अराकिने बल्दिया और अराकिने कमेटी ने एक मेमोरेंडम दिया है कि तेलंगाना रियासत की असम्बली में दो मस्जिदें और साथ में एक मंदिर सेक्रेटरी पर जो तामीर के दौरान किसी बेवकूफ़ कंट्राक्टर ने वहां पर दो मस्जिदों को और एक मंदिर को शहीद कर दिया है। हमारा बोधन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिट की जानिब से हम हुकूमत तेलंगाना के सरबरा अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब जो के वज़ीर आला हैं उनसे हमारा डिमांड है कि दोबारा वहीं पर अच्छे पैमाने पर वहां पर तामीर करें। आज आरडीओ ऑफिस में जो असम्बली में दो मस्जिदें और एक मंदिर जो गिराई गई है उस ताल्लुक से एमआईएम पार्टी भोदन की जानिब से आरडीओ ऑफिस में आरडीओ साहब को जो है एक मेमोरेंडम दिया गया है और एमआईएम भोदन की जानिब से एक डिमांड है कि जो भी मस्जिद या मंदिर जो गिराए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त जो ना कार्रवाई करें और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। और जैसा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अफीज साहब ने कहा जो भी जो ना उसका कसूरवार है उसको जो ना सख्त से सख्त सजा दी जाए, तो लिहाजा हम हुकूमत तेलंगाना से जो ना एमआईएम भोदन की जानिब से डिमांड करते हैं कि जो ना उनके ऊपर एक्शन ले और उनके ऊपर कार्रवाई करे और जल्द से जल्द जो ना मस्जिद और मंदिर जो ना वहां पर तामीर करें।